नमस्कार दोस्तों, देश में घूमने के लिए एक से एक खूबसूरत जगह है जहाँ के नज़ारे वाकई में मन को मोह लेते हैं। वहीं पर्यटकों की बात करें तो उनको हमेशा से एक नई जगह की तलाश रहती है, लेकिन आज हम आपको एक अद्भुत संरचना के बारे में बताएंगे जो एशिया के सबसे ऊंचाई पर बना पुल चीचम पुल के बारे में, जहाँ पर जाने के बाद आपको पुल के साथ साथ प्रकृति की खूबसूरत सुंदरता देखने को मिलेगी। दरअसल यह पुल जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है और यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। बता दें कि यह पुल 13,595 फीट की ऊंचाई पर बना है और यह समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यह अपने आप में एक अद्भुत संरचना है। यह पुल चीचम गांव को किब्बर गांव से जोड़ता है जो कि स्पीति घाटी में स्थित है। चीचम पुल 120 मीटर लंबा और 150 मीटर ऊंचा है। इस पुल का निर्माण 2017 में पूरा हुआ और इसे बनाने में लगभग 15 साल का समय लगा। इस पुल के निर्माण से पहले स्थानीय लोग और पर्यटक किब्बर और चीचम के बीच यात्रा करने के लिए खतरनाक घाटियों को पार करने के लिए रस्सियों और झूलों का उपयोग करते थे। चीचम पुल के निर्माण से अब यह यात्रा बेहद आसान और सुरक्षित हो गई है। यह पुल न केवल स्थानीय लोगों के जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण है बल्कि यह पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। पुल से दिखाई देने वाले सुंदर दृश्य और आसपास के क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता ने इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है। इसके अलावा इस पुल ने क्षेत्र में परिवहन और व्यापार को भी सुगम बना दिया है। चीचम पुल को भारतीय लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह पुल स्टील से बना हुआ है और इसमें मजबूत केबल्स का उपयोग किया गया है जो इसे स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करते हैं। पुल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह भारी वाहनों और कठिन मौसम परिस्थितियों को भी सहन कर सके। चीचम पुल एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे भारतीय इंजीनियरिंग ने कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में भी अद्भुत संरचनाएं बनाई है। यह पुल न केवल स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है बल्कि यह देश और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।